हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में, मतलब जावा में स्ट्रिंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। ओके, स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रिंग का डेफिनेशन क्या होता है। स्ट्रिंग का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड स्ट्रिंग, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर को एक साथ लेकर हम लोग एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मेरा APPLE आपेल, ये हो गया मेरा एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डबल कोट के थ्रू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो गया मेरा एक स्ट्रिंग। इसमें A एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, P एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, P एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, L एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, E एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, बट दे आर टुगेदर कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग। ये हो गया मेरा एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल। और जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सिंगल कोट के अंदर आता है, मतलब ये जो सिंगल कोट के अंदर ए लिखा, ये हो गया मेरा कैरेक्टर। और डबल कोट के अंदर जो रहता है वो हो जाता है हम लोगों का स्ट्रिंग। ये जो मेरा स्ट्रिंग हो गया, ये तो हो गया एक एग्जांपल। और इसका जो पोजीशन होता है, बाय डिफॉल्ट जीरोथ पोजीशन से स्टार्ट होता है, मतलब ये हो गया जीरोथ पोजीशन, ये हो गया वनथ पोजीशन, ये हो गया टूथ पोजीशन, ये हो गया थ्रीथ पोजीशन, ये हो गया मेरा फोर्थ पोजीशन। जब भी हम लोग कुछ स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे और उसका जो पोजीशन होता है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा जीरोथ पोजीशन से ही स्टार्ट होता है। तो जीरोथ पोजीशन में क्या है मेरा ए, वनथ पोजीशन पे पी, ऐसे रेस्ट ऑफ देम बाकी जितना भी सारा है वो पोजीशन वाइज आकर ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हम लोग इनपुट कैसे लेंगे। तो पहले ही क्लास 9 में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। हम लोगों को बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, br। बफर रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे हम लोग br। br के जगह आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। उसके बाद न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन हम लोग लिखते थे, तो br हो गया एक बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। इसके थ्रू से हम लोगों को एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है। तो वो कैसे लेंगे, इनपुट लेने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को डिफाइन करना पड़ेगा। एक स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करेंगे, वो हम लोग कैसे करेंगे, स्ट्रिंग string, स्ट्रिंग s, मतलब s हो गया एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल। ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग का s कैपिटल लेटर में होता है, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका बीच बीच में कुछ कैपिटल लेटर कुछ स्मॉल लेटर ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का s कैपिटल लेटर में कर दिया मैंने, स्ट्रिंग s, s हो गया स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल। अब यूजर से स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, s इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, readline ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जिनमें से l भी एक कैपिटल लेटर है। तो रीड लाइन जो है ये एक फंक्शन है, ये किस ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन कौन से क्लास के अंदर है, बफर रीडर क्लास के अंदर है, buffreader, बफर रीडर। ओके, हम लोग क्या लिखते थे, बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन, ये पूरा लाइन होता था, वो मैंने यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो s इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ये करने का मतलब क्या है, यूजर जो स्ट्रिंग इनपुट करेगा वो ऑटोमेटिकली अब s में आके स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है असाइन ऑपरेटर। राइट हैंड साइड का जो कंटेंट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में आकर स्टोर हो जाता है। तो s इक्वल टू, अब तो इसका मतलब क्या हुआ, यूजर जो इनपुट करेगा वो s में आके स्टोर हो गया। मान लेता हूं कि यूजर ने इनपुट किया abc, वो abc s में आकर स्टोर हो चुका है। अगर मैं यूजर डिफाइन करूंगा तो इस टाइप से हम लोगों को करना पड़ेगा। और अगर मान लो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम लोगों को डायरेक्ट इनपुट लेना है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे s इक्वल टू APPLE। लिखने का मतलब है s के अंदर मेरा apple आके स्टोर हो चुका है। तब जाके s क्या है, s मेरा एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। जो भी वेरिएबल, मतलब अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे तो उसको स्ट्रिंग टाइप डिफाइन कर देना पड़ेगा। मान लेता हूं कि मैंने x इक्वल टू लिख दिया x, y और z, ऐसे मैंने लिख दिया, तो x को भी हम लोगों को स्ट्रिंग टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग x इक्वल टू डबल कोट के अंदर x, y, z। मतलब तो दो तरीके से हम लोग इनपुट लेना सीख चुके हैं यहाँ पर। एक है बफर रीडर के थ्रू से, जो यूजर डिफाइन है, यूजर यहाँ पर इनपुट करेगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो s में आके स्टोर हो जाएगा। और दूसरा जो टेक्निक सीखा डायरेक्ट,
अगर कोई किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर डायरेक्ट कोई इनपुट देगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग एक्स, मतलब यहाँ पर कुछ भी आप वेरिएबल नेम दे सकते हो, तो स्ट्रिंग यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल नेम होगा इक्वल टू डबल कोट के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो उस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ये है दो टाइप से स्ट्रिंग को इनपुट लेने का टेक्निक। ओके, अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग का कुछ फंक्शंस देखेंगे, मतलब कुछ इनबिल्ट फंक्शन होता है जिस फंक्शन के थ्रू से हम लोग आगे जाके बहुत सारे स्ट्रिंग का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे। उनमें से सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग सीखेंगे वो है लेंथ फंक्शन, LENGTH। ये हो गया मेरा एक लेंथ फंक्शन। इसका रिटर्न टाइप मतलब ये जो रिटर्न करेगा वो है इंटीजर, मतलब रिटर्न टाइप है इसका इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, लेंथ फंक्शन का काम है एक स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना, मतलब उस स्ट्रिंग में हाउ मेनी कैरेक्टर आर प्रेजेंट ऑन दैट स्ट्रिंग, मतलब कितना कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग में वो काउंट करेगा लेंथ फंक्शन के थ्रू से। ओके, तो अब देखो यहां पर, और इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर। ये जो फंक्शन है इसको लिखने का टेक्निक, इंट आर इक्वल टू एस डॉट लेंथ, LENGTH ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, जिसका भी लेंथ निकालना है, मतलब जिस स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है वो स्ट्रिंग कौन सा वेरिएबल में स्टोर है। मान लेता हूँ कि मैं इसका लेंथ निकालना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रिंग है ये कौन सा वेरिएबल में है, एस वेरिएबल के अंदर स्टोर है ये अपेल, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ा, एस डॉट लेंथ। एस क्या है मेरा, एस है मेरा एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल जिसके अंदर मेरा अपेल स्टोर है, मतलब APPLE स्टोर है। एस डॉट लेंथ का मतलब है इसका पूरा लेंथ। अब इसका लेंथ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। लेंथ का काम है हर एक कैरेक्टर, मतलब कितना कैरेक्टर है वो काउंट करेगा। टोटल यहाँ पर 5 कैरेक्टर है, इसीलिए R का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5। इसीलिए मैं बोल रहा था कि लेंथ का रिटर्न टाइप है मेरे इंटीजर, मतलब ये इंटीजर रिटर्न करेगा। तो S के अंदर मेरा 5 कैरेक्टर है तो R का वैल्यू हो गया मेरा 5। काउंट हमेशा 1 से होगा, मतलब काउंटिंग जो होता है वो हमेशा 1 से होगा, पर ये जो एप्पल मैंने यहाँ पर लिखा, ए का पोजीशन है मेरा 0, पी का पोजीशन है मेरा 1। पोजीशन हमेशा 0th पोजीशन, मतलब इंडेक्स जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, ये 2th पोजीशन, ये 3th पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये हो गया मेरा इंडेक्स, मतलब इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। पर काउंट जब हम लोग करेंगे, काउंट हमेशा हम लोग 1 से काउंट करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 5 कैरेक्टर हैं, इसीलिए लेंथ का काम क्या है, उसका जो लेंथ है, मतलब 5 कैरेक्टर का जो लेंथ है वो उठाकर आर में स्टोर कर देगा। ये हो गया मेरा लेंथ फंक्शन का काम। नेक्स्ट, अब जो फंक्शन सीखेंगे नेक्स्ट में वो है हम लोगों का इक्वल्स, EQUALS, इक्वल्स फंक्शन। इक्वल्स फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है बुलियन, BOOLEAN, बुलियन। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अब ये सिंटेक्स, मतलब ये जो फंक्शन है इसका सिंटेक्स क्या होगा, बुलियन m इक्वल टू s डॉट इक्वल्स x। अच्छा, अब यहां पर देखो, मैंने x का s का वैल्यू लिया था अपेल, और x है मेरा xyz। इक्वल्स का मतलब है ये दोनों को कंपेयर करेगा, दोनों सेम है कि नहीं है। तो यहां पर अपेल और xyz दोनों तो सेम नहीं है, अगर दोनों ही अपेल होता तो एक अलग बात है, यहाँ पर अपेल है, यहाँ पर एक्स वाई जेड है, मतलब दोनों सेम नहीं है। तो इक्वल्स क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब एम का वैल्यू हो जाएगा मेरा फॉल्स। क्लियर। अब अगर एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिव, मतलब अगर मान लेता हूँ कि एक्स का वैल्यू मेरा एक्स वाई जेड नहीं है, वहाँ पर एक्स का वैल्यू है मेरा कैपिटल लेटर में ही APPLE अपेल है, मतलब एस का वैल्यू भी मेरा एप्पल है और एक्स का वैल्यू भी मेरा अभी एप्पल है, तब जाके इक्वल्स फंक्शन का काम क्या होगा, EQUALS। इक्वल्स फंक्शन का काम क्या होगा, एस भी मेरा एप्पल है और एक्स भी मेरा एप्पल है, दोनों ही सेम है, तो इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा, ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा उस टाइम पे, मतलब एम इक्वल टू हो जाएगा ट्रू।
अगर s और x दोनों ही पूरा डिट्टो सेम होगा तब जाके मेरा जो इक्वल्स फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर सेम नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर s का वैल्यू मेरा एप्पल था और x का वैल्यू मेरा एक्स वाई जेड था, तो दोनों सेम नहीं है इसलिए वो फॉल्स रिजल्ट रिटर्न किया यहाँ पर। तो इक्वल्स फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया मेरा बुलियन। अब हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन सीखेंगे वो है हम लोगों का कैर एट फंक्शन, CHARAT, कैर एट फंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या होता है? कैर एट फंक्शन का काम होता है एक स्ट्रिंग से एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैर एट फंक्शन यूज किया जाता है। कैर एट फंक्शन का काम होता है एक स्ट्रिंग से एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कैर एट फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि ये मेरा जो एस है स्ट्रिंग टाइप, जो एस वेरिएबल है उसके अंदर मेरा ए पी पी ए लिए एप्पल है, इस एप्पल में से मैं एल को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? थ्रीथ पोजिशन, मतलब ये जो इंडेक्स है इस पोजिशन पे जो कैरेक्टर है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? और एक बार ये जो कैरेट है, कैरेट का रिटर्न टाइप होता है कैरेक्टर, मतलब कैर मतलब ये कैरेक्टर रिटर्न करता है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? कैर टी इक्वल टू एस डॉट कैरेट थ्री। इसका मतलब है थर्ड पोजीशन पे एस डॉट, मतलब कहां से, मतलब किस पोजीशन से हम लोग कैरेक्टर को उठाएंगे। एस से हम लोग, एस के अंदर पूरा कैरेक्टर स्टोर है, मतलब पूरी स्ट्रिंग जो है वो एस के अंदर आके स्टोर है, तो उसके अंदर से थर्ड पोजीशन को हम लोग उठाएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एस डॉट कैरेट थ्री। एस और एट का ए जो है वो कैपिटल लेटर में होता है। एस डॉट कैरेट थ्री मतलब थर्ड पोजीशन का जो भी कैरेक्टर है वो उठ के कहां पर आके स्टोर हो जाएगा? टी में आके स्टोर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को, मतलब इंडिविजुअल जो भी लेटर है, इंडिविजुअल लेटर को कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये एक कैरेक्टर हो गया, इसीलिए कैरेट फंक्शन का रिटर्न टाइप है मेरा कैर, मतलब कैरेक्टर, तो कैर टी लिख दिया, यहां से जो भी एक्सट्रैक्ट होगा वो टी में आके स्टोर हो जाएगा, मतलब अभी मेरा टी का वैल्यू हो जाएगा मेरा एल। मैंने यहाँ पर थ्री लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी थ्री लिखना पड़ेगा, किसी भी पोजिशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी पोजिशन लिखूंगा उस पोजिशन का जो कैरेक्टर वैल्यू है वो उठकर वो एक्सट्रैक्ट होकर जो भी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल मैंने यहाँ पर असाइन किया उसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। ये हो गया मेरा कैरेट फंक्शन का काम। अब हम लोग देखेंगे कंपेयर टू फंक्शन, कंपेयर टू, टी का टी, टू का टी कैपिटल लेटर में होता है, कंपेयर टू फंक्शन। इसका भी रिटर्न टाइप है इंटीजर, मतलब ये भी इंट रिटर्न करता है। तो ये काम कैसे करता है? इंट आर इक्वल टू एज डॉट कंपेयर टू एम कर देता हूं, और मान लेता हूं कि एक्स एस के अंदर है मेरा ए बी सी और एम के अंदर है मेरा बी सी डी। क्लियर? एस के अंदर मेरा ए बी सी है, एम के अंदर मेरा बी सी डी है, इन दोनों के बीच में मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर टू का टी कैपिटल लेटर में होता है, तो ये कंपेयर करने के बाद मुझे क्या देगा? इंटीजर रिटर्न करेगा। तो ये कंपेयर कैसे करता है? ये कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर कंपेयर करता है, जहां पर सबसे पहले मिसमैच मिलेगा उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही होगा इसका आंसर। मतलब ये जीरोथ पोजीशन, ये वनथ पोजीशन, ये ट्वेल्थ पोजीशन, ये भी जीरोथ पोजीशन, ये वनथ पोजीशन, ये ट्वेल्थ पोजीशन, पहले इन दोनों के बीच में कंपेयर होगा कि दोनों सेम है कि नहीं है, तो पहले ही मुझे मिसमैच मिल चुका है, तो ए और बी दोनों सेम नहीं है, तो इन दोनों का बीच में जो डिफरेंस है वही होगा मेरा आर का वैल्यू। मतलब आर इक्वल टू होगा ए माइनस बी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो होगा आर का वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पर एस डॉट कंपेयर टू एम किया और एस के अंदर मेरा ए बी सी है और एम के अंदर मेरा बी सी डी है, तो इन दोनों में मैं चेक करूंगा सबसे पहला मिसमैच कहाँ पर हो रहा है, तो पहले मिसमैच फर्स्ट पोजिशन पे हो जा रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। अब सवाल है कि ए और बी इन दोनों को माइनस कैसे करूंगा, तो
ए का जो एस की वैल्यू है ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए का एस की वैल्यू होता है 65, कैपिटल बी का एस की वैल्यू होता है 66, तो 65 माइनस 66 इक्वल टू माइनस 1 होगा आर का वैल्यू। ये है मेरा कंपेयर टू फंक्शन का काम। अब अगर ये रिवर्स होता है, मतलब उल्टा होता है, मतलब एस के जगह पर मान लेता हूँ कि एम है और एम के पोजीशन पर मान लेता हूँ कि मेरा एस है, तो यहाँ पर कंपेयर टू हो रहा है एम डॉट कंपेयर टू एस। अगर ऐसा होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आर इक्वल टू, मतलब एम के साथ अब एस का कंपेयर हो रहा है, तो पहले मैं एम को चेक करूंगा, मतलब फिर से वही सेम काम होगा, पहला मिसमैच कहां पर है वो मैं ढूंढूंगा, तो बी के साथ ए का चेक होगा, तो इस टाइम पे पहले ही फर्स्ट पोजीशन पे ही मुझे मिसमैच मिल चुका है, तो बी माइनस ए करने के बाद जो रिजल्ट है वो होगा मेरा आर का वैल्यू। तो अब बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी का एस की वैल्यू 66 माइनस ए का एस की वैल्यू 65, 66 माइनस 65 क्या होता है मेरा प्लस 1, मतलब आर का वैल्यू हो गया मेरा प्लस 1। अभी अगर मैं एस डॉट कंपेयर टू एम करूंगा तो माइनस 1 आंसर देगा, अगर मैं एम डॉट कंपेयर टू एस करूंगा तो प्लस 1 मेरा आंसर देगा, जिसके साथ जिसका कंपेयर होगा उन दोनों के बीच में माइनस होगा, और माइनस कहां पर होगा, फर्स्ट मिसमैच मुझे जहां पर मिलेगा। और एक एग्जांपल देख लेता हूं, मान लेता हूं कि एस के अंदर मेरा ए बी सी है और एम के अंदर है मेरा ए सी बी है, ऐसा है हम लोगों का। अब इन दोनों के बीच में मुझे कंपेयर करना है, ये 0th पोजीशन 1th पोजीशन 2th पोजीशन 0th पोजीशन 1th पोजीशन 2th पोजीशन, ओके। अभी आर का वैल्यू क्या होगा मेरा, फिर से वही सेम टेक्निक, फर्स्ट लोकेशन के साथ फर्स्ट लोकेशन चेक होगा, ये मैच हुआ तब जाके हम लोग आगे जाएंगे। अब इसके साथ इसका हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पर बी है और इसमें सी है, तो यहाँ पर मिसमैच मिल चुका है मुझे, तो फर्स्ट मिसमैच यहाँ पर मिला है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगा मेरा आंसर, मतलब बी माइनस सी करने के बाद जो रिजल्ट है वो होगा मेरा आंसर, क्योंकि मैं एस डॉट कंपेयर टू एम कर रहा हूँ, ये मेरा एस है और ये मेरा एम है। तो फिर से वही सेम प्रोसेस, बी का एस की वैल्यू, बी का एस की वैल्यू होता है हम लोगों का 66 माइनस सी का एस की वैल्यू होता है 67, 66 माइनस 67 इक्वल टू माइनस 1। जो भी वेरिएबल रहेगा उसका जो एस की वैल्यू होगा उसी के हिसाब से हम लोग ये जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। तो फाइनली आर का वैल्यू कितना आ गया है, माइनस 1। ये हो गया मेरा कंपेयर टू फंक्शन का काम। अब हम लोग देखेंगे इक्वल इग्नोर केस, ई क्यू यू ए एल एस इक्वल्स आई जी एन ओ आर ई इग्नोर केस सी ए एस ई, इग्नोर का आई कैपिटल केस का सी कैपिटल, ये है मेरा इक्वल इग्नोर केस का फंक्शन। और इसका भी जो रिटर्न टाइप है वो है मेरा इंटीजर, मतलब ये इंट रिटर्न करता है। सिंटिक्स क्या होगा, इंट आर इक्वल टू एस डॉट इक्वल इग्नोर केस एम, ठीक है। मान लेता हूं कि एस के अंदर है मेरा कैपिटल लेटर में ए बी सी और एम के अंदर है मेरा स्मॉल लेटर में ए बी सी, ऐसा है, ठीक है। तो अगर सेम यही एग्जांपल अगर मैं इक्वल्स के लिए लेता, मतलब इक्वल्स जो फंक्शन था उसके लिए, इक्वल्स में मैं अगर एस का वैल्यू कैपिटल लेटर में ए बी सी और एक्स का वैल्यू स्मॉल लेटर में अगर मैं ए बी सी लेता तो इक्वल्स फंक्शन क्या प्रोवाइड करता, इक्वल्स फंक्शन प्रोवाइड करते कि वो फॉल्स है, क्योंकि इक्वल्स फंक्शन का काम होता है दोनों डिटो सेम है कि नहीं है वो चेक करना, ठीक है। अगर दोनों ही अगर सेम का मतलब क्या है, अगर वो दोनों स्ट्रिंग पूरा कैपिटल लेटर में होना पड़ेगा या फिर पूरा स्मॉल लेटर में होना पड़ेगा, किसी एक में पूरा होना पड़ेगा तब जाके वो कंडीशन चेक करेगा। बट यहाँ पर इक्वल इग्नोर केस में क्या होगा, वो केस को इग्नोर कर देगा, मतलब वो कैपिटल लेटर में है या फिर स्मॉल लेटर में है वो चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों सेम है तो इक्वल इग्नोर केस ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा, मतलब अच्छा मैंने यहाँ पर गलती से इंट बोल दिया था, इसके रिटर्न टाइप है बुलियन, बुलियन, तो यहाँ पर लिखेंगे बुलियन, ओके। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल इग्नोर केस में ये ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, दोनों ही ए बी सी है पर एक कैपिटल लेटर में है दूसरे स्मॉल लेटर में है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ट्रू रिटर्न टाइप होगा, मतलब आर इक्वल टू हो जाएगा मेरा ट्रू। तो इक्वल इग्नोर केस का मतलब क्या है, वो केस को मैटर नहीं करेगा, मतलब वो सिर्फ देखेगा कि दोनों सेम है कि नहीं है, अगर दोनों सेम हो गया तो वो ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। अब अगर एस का वैल्यू अगर मेरा ए बी सी होगा और एम का वैल्यू अगर ए बी एक्स होगा तब जाके ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये मेरा आर का वैल्यू होगा मेरा, इन दोनों के लिए आर का वैल्यू होगा मेरा फॉल्स,
तो इक्वल इग्नोर केस का मतलब है केस को वो कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ देखेगा कि दोनों सेम है कि नहीं है। अगर दोनों सेम है एकदम, मतलब एबीसी स्मॉल लेटर में एबीसी कुछ भी अगर होगा तो ट्रू रिजल्ट देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिजल्ट देगा।